कुछ तुम रेस्ट करो, तुम इस तरह से खड़े होने की कोशिश मत करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम रेस्ट करो। इशिता तुम ऐसे खड़े होने की कोशिश मत करो, ठीक है इशिता, तुम लोग को जाके छुड़ाना, मुझे क्या चाहिए थी मैं, वो लोग वहां पे जेल में, मुझे लोग जाके मिलना होगा, सब कुछ ठीक है इशिता, एवरीथिंग इज देखो, हम सब घर आ गए, सब ठीक है। मम्मी जी, पापा जी, वो लोग किस हालत में, कैसे? मम्मी पापा सब ठीक है इशिता, तुम आराम करो प्लीज। मुझे लोगों को देखना है, मुझे देखना है उन्हें। इशिता, इशिता, I'm so sorry। तो ठीक है ना पुत्र? मैं ठीक हूँ, आप लोग, I'm so sorry, मैंने आप लोग के साथ, प्लीज सॉरी, आप लोग ठीक हो ना? हमें सब पता चल चुका है, अब सब ठीक है पुत्र। देख, आज तेरी वजह से तेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। प्रतीक, डॉक्टर ने क्या कहा, इशिता को कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं अंकल, डॉक्टर ने इशिता की बॉडी से सारा जहर फ्लश आउट कर दिया, सो अभी खतरे वाली कोई बात नहीं। बता ना रे, लाख लाख शुक्र। आप लोग मुझे माफ कर पाओगे ना? मैंने आप लोग के साथ बहुत गलत किया है, वेरी सॉरी। ना पुत्र ना, माफी तो मैंने मांगनी चाहिए, मैंने तेरे पर भरोसा नहीं किया और मैंने तेरे घर से बाहर निकाल दिया, मैंने माफ कर दिया इशिता। क्या कर रहे हो आप मम्मी जी, प्लीज ऐसे मत करो। बहुत बड़ा दिल है तेरा, जिंदी रहो। हो सके तो तू भी मैनू माफ कर दे पुत्र, और तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने बुरे टाइम पे इशिता का साथ दिया। नहीं नहीं मामी जी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं पुत्र, तेरा बड़ा एहसान है हम सारों पर, और अब तो तू हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है, तेरे रमन और इशिता का बच्चा। सारे तेरे जिन्ना भी थैंक यू कहे, कब है तेरा बहुत बहुत थैंक यू। जी तेरा पुत्र। शीता, मैं चलती हूँ, एक अधूरा काम है जो पूरा करना है। क्या? मनोज से मिलने जाना है। तो चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसी तरह तुम रेस्ट करो, चलो बाय एवरीबॉडी। एक्चुअली एक काम है जो आपका अधूरा है। मेरे साथ चलो। अभी तो बेहोशी से उठी है, इस कमजोरी में उन्होंने कितने लेके जा रहे हैं? एक्चुअली इश्ता क्यों, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ चलें। जो होगा आप इश्ता के सामने। ये सब क्या है? जिस खबरी को पकड़ने के तुमने इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, खबरी जानती हो कौन? मैं रमन, जब से यही तो पता चल गया मुझे सब कुछ।
आजा मेरा बच्चा, तेरी जान मेरा पुत्र। विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिसको बेटी बनाकर लाए थे वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे। अशोक को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और दुबेर को ही सारिका को भी होटल से रिलीज कर लिया। हाँ इशिता, ये सब आपकी मेहनत, हिम्मत और सब्र का नतीजा है कि हम अशोक और सारिका को पकड़ पाए। ले चलो इसे। एक मिनट सारिका, मैं जानना चाहती हूँ सबके सामने कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुमने तुमने सबके साथ ऐसा किया। तुम अशोक की खबरी बन गई, तुमने सबकी जान लेने की कोशिश की, रमन की भी। जहर, ऐसा क्या हुआ था सारिका? सारिका बोलो, क्या हुआ था? नहीं बोले अभिषेक, ले जाए नो। प्लीज अभिषेक, इस औरत को ले जाओ यहां से। सारिका तुमने ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए किया ना तुमने? उसके साथ मिलके तुमने मेरी मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की तुमने? शक्ल मत दिखाना मुझे आज के बाद। रोमी नहीं, कंट्रोल कर अपने आप। इससे पहले कि यहां पे अपना आता, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे अपनी बहन को इस तरह भाई। मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना तुमने सारे। मेरा सर शर्म से झुक गए। थैंक्स टीम। I'm so sorry. मैं आप लोगों से इस मुंह से माफी मांगू। नहीं अभिषेक, ठीक तुम्हें नहीं मुझे माफी चाहिए। बहुत कुछ बड़ा बुरा कह दिया मैंने तुम। इनफैक्ट तुमने तो मेरी जान बचाई है, मेरे परिवार को बचाई। I'm sorry. अभिषेक बेटा, हम तुम्हारे मन की हालत समझ सकते हैं। अब तक तेरी कोई गलती नहीं। ले जाओ उसे। भाभी,